मुख्यमंत्री जी नमस्कार के इस अंक में हम आपको बताएंगे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के सहेली से जोली देवी की संपर्क मार्ग की समस्या के बारे में। इस मार्ग पर सड़क का निर्माण तो किया गया है, लेकिन बस सुविधा ना होने के चलते लोगों को 8 से 10 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने पड़ता है, जिस कारण ग्रामीणों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं अनु शर्मा गांव राइया से। यहां पे सड़क तो है लेकिन बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें अगर कहीं जाना हो तो 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है, इसलिए हमें काफी समस्या होती है। इस समस्या को हमने कई बार जनमंच में भी अवगत करवाया है, लेकिन इस समस्या का कोई हल अभी तक नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे मांग करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है बस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हमें इस समस्या से निजात मिल सके। जितने भी गाँव पढ़ते हैं उन के जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और गरीब लोग हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया जितनी जल्दी संभव हो सके इस सड़क पर बस चलाएं, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। जो जोली देवी से बाया सहेली होकर सड़क निकाली गई है, वहाँ पे आज दिन तक बस का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पे जल्द से जल्द बस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जोली देवी और सहेली के लिए सड़क तो है, पर वहाँ बस की सुविधा नहीं है और लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी आती है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि जोली देवी और सहेली के लिए बस की सुविधा उपलब्ध की जाए। हाँ, इस बार एक हमारे पास डिमांड आई है जोली देवी से और सहेली के बीच में गाड़ी चलाने के लिए, तो हमने उधर भी आश्वासन दिया था कि इस गाड़ी को हम स्टडी करेंगे और जो भी पॉसिबल होगा हम चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कि हमने देखा है कि एक गाड़ी है हमारी जो सुबह 10:10 पे मैरे से हमीरपुर के लिए चलती है, तो ये गाड़ी पहले वाया जोड़ियाम होके आती थी, अब हमने डिमांड भेजी है हेड ऑफिस को जनमंच के तहत कि इस गाड़ी को वाया जोल और सहेली कर दिया जाए, जिससे वहाँ के लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और कॉरपोरेशन को रेवेन्यू भी आएगा। हालांकि समस्या के निदान के लिए कई बार लोगों ने प्रशासन और जनमंच के माध्यम से भी गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। हालांकि जो आरएम हमीरपुर, उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही इस सड़क पर बस सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी लोगों को मुख्यमंत्री से इस समस्या का हल होने की पूरी उम्मीद है। हमीरपुर से डीडी न्यूज़ के लिए जसवीर कुमार।